सोमवार की जगह पर असी दो दिन होर वधा के बुधवार तक का असी बेनती करते हैं। ये कोई धमकी ना समझा जाए, बुधवार तक साड़ी बेनती होगी शाम तक कि शाम तक बुधवार के ये परचे को कैंसल कर दिता जाए। जेकर ये तो हुण ना हटूगा, ये परचे कैंसल ना होणगे तां असी वीरवार को सवेरे जिथों कोटकपुरे तो मोगा रोड तो फरीदकोट तो अपने बठिंडे तो अमृतसर रोड क्रॉस होंदे आ असी वो रोड ब्लॉक करांगे। परचे हो या झूठे हो रद्द किए जाण, नहीं तो वीरवार को जिहड़ा ये साडे वल्लों मतलब हदायत है एक सारे वीरां नूं असी बेनती करदे आ, इस शॉर्ट कॉल आ उत्थे वध चढ़ के कट होऊगा, रोड ब्लॉक होऊगा, उत्थे किसी हदायत की धज्जी उड्डे करोना फैले उहदा जिम्मेवार पुलिस प्रशासन ते जिला मजिस्ट्रेट होणगे। किसानी अंदोलन की मजबूती के लिए रखे अपने पिंडां दे प्रोग्रामां दे तहत बीते कुछ दिन पहला जैतो कोरोना कॉल की उलंघना कर मास्क ना पाने ते 10 तो वध इकट्ठ करन लैके दीप सिद्धू ते जैतो पुलिस दे वलों धारा 188 अधीन मामला दर्ज किया गया सी। एक मंग पत्र DSP जैतो नूं सौंप के दीप सिद्धू खिलाफ दर्ज मामले नूं खारिज करन दी मांग की गई है। इस मौके उन्होंने कहा कि सानूं सोमवार का समां दिता गया है पर असीं बुधवार तक इंतजार करांगे, पर जेकर फिर भी परचा खारिज नहीं किया गया तो वीरवार रोड जाम किया जाएगा और इसका जिम्मेवार प्रशासन खुद होगा। कोरोना दी हदायतों को मद्देनज़र असी यह संघर्ष करना ही नहीं चाहते, जिदे संबंध असी 24 तरीक नूं इंस्पेक्टर साहब को आके इत्थे मिले थे, डिप्टी साहब नूं फोन लाया सी, उन्होंने फोन नहीं चक्या। तो उस तो अगले दिन असी 25 तरीक नूं शाम नूं 26 तरीक नूं सवेरे डिप्टी साहब ने एक मंग पत्र दे के गए थे कि जिहड़ा यह परचा होया बई दीप सिद्धू ते जां चाहे कि वह लखे दीआं रैलियां चाहे दीप दीआं रैलियां नूं हरास किया जा रहा, प्रशासन की उत्थे ड्यूटी ला दी जाती, वड्डे वड्डे रैंक के बंदे ला दिते जाते आ, उसके संबंध के भी यह खत्म किया जाए, परचा भी खत्म किया जाए, हरासमेंट भी नौजवानों की, क्योंकि नौजवान संघर्ष लिए लड़ रहे हैं, कोई निज हित लिए नहीं लड़ रहे गे। तो वो सानू कोई भी इन्हों का रिएक्ट नहीं आया, जिदे करके अज असी थाने के मूहरे कट्ठे हुए हैं, सिर्फ शॉर्ट कॉल से जिन्ने वीर आए हैं कट्ठे हुए हैं। हुण असी एक मंग पत्र बाय डिप्टी साहब के राही SSP साहब को भेजा फरीदकोट, तो उन्होंने कहा विश्वास दवाया सानू, वो कहिंदे कि असी कोशिश करते हैं उन्होंने बेनती करांगे SSP साहब नूं कि भी ये जिहड़ा परचा नूं कैंसल कर दिता जाए, तो तुहानूं सोमवार तक असी इहदा यस नो दसदे हां जी। सोमवार की जगह पर असी दो दिन होर वधा के बुधवार तक का असी बेनती करते हैं, ये कोई धमकी ना समझा जाए, बुधवार तक साड़ी बेनती होगी शाम तक कि शाम तक बुधवार के ये परचे नूं कैंसल कर दिता जाए। जिहड़े भी दीप सिद्धू की जां लखे सधाणे की जां होर किसी भी किसान संघर्ष मजदूर एकता वालों की जां किसी जथेबंदी वालों की रैली होंदी आ उहनूं हरास ना किया जाए, उहदे विच वाधा ना डाली जाए। जेकर ये तो हुण ना हटूगा, ये परचे कैंसल ना होणगे तां असी वीरवार नूं सवेरे जिथों कोटकपुरे तो मोगा रोड तो फरीदकोट तो अपने बठिंडे तो अमृतसर रोड क्रॉस होंदे आ असी वो रोड ब्लॉक करांगे। ये साडी बेनती आ कि उदों पहला इस मसले का निपटारा कर दिता जाए। जिहड़े नौजवानों नूं परेशान किया जाता रैलियां करन तो रोकिया जाता वा, चाहे कि वह करोना दीआं हदायतां नूं मद्देनज़र रख के रैलियां करदे होण, उह करन हटिया जाए, परचे हो या झूठे हो रद्द किए जाण, नहीं तो वीरवार को जिहड़ा ये साडे वल्लों मतलब हदायत है एक सारे वीरां नूं असीं बेनती करदे हां, इस शॉर्ट कॉल आ उत्थे वध चढ़ के कट होऊगा, रोड ब्लॉक होऊगा, उत्थे किसी हदायत की धज्जी उड्डे करोना फैले उहदा जिम्मेवार पुलिस प्रशासन ते जिला मजिस्ट्रेट होणगे। देखो जी, जे तो दीप सिद्धू ते लखा सधाणा सरकार दे फेवर च बोलते होण फिर तो कोई प्रैशर ना होवे परचा करन दा, कोई परचा भी ना होवे, बकायदा सिक्योरिटी के अंडर प्रोग्राम किए जाण, जदों असी सरकार नूं भाव नहीं पाउंदे तां उत्थे आ के सानूं इह सारियां जिहड़ियां मुश्किलां उहदा सामना करना पैंदा। सरकार दी पुट्ठी गिणती शुरू हो गई आ गल कारण, नौजवानी जिहड़ी आ किसे भी सरकार दी रीढ़ दी हड्डी हुंदी आ, किसे नूं तख्त ते बिठाउण वास्ते नौजवानी दा हथ हुंदा, ते जिहो जे इह हथ इस वक्त सरकार नौजवानां नाल वरत रही आ ते 2022 दा इलैक्शन बहुत नेड़े दिस रिहा, सरकार नूं भी चेतावनी आ
कि आपकी पुठी गिणती ना करवाओ, चंगे रहोगे। किसानी संघर्ष लई जिस तरह हुण तक इन्होंने हैल्प की सी, उतों हुण आ के थैले तो बिल्ली जी बाहर आ गई आ। सानू ये सबूत मिलते पे आ इन्हों परचों के कि कैप्टन साहब जोड़े आ वो मोदी के झोली के बैठे हुए हैं। मुकदमा दर्ज होया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेकर इन्हों लगता है कि कोई सबूत हैगा इन्वेस्टिगेशन के आता है जिसे तो गल साबित होंगी है कि मुकदमा गलत दर्ज होया, तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टिगेशन अगे वधाया जा सकता है। बट जो भी है इन्वेस्टिगेशन प्रूफ के बेस पर ही होनी हैगी है। मैं थोड़े जरिए उन्होंने भी कहना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं गी, साड़ी किसी ना कोई परसनल रंजिश नहीं है। तुसी इन्वेस्टिगेशन दे विच सानू प्रूफ दिओ, सानू मेरे नाल गल करन बैठ के जिहड़ी गल हो सकती है इन्वेस्टिगेशन विच लियांदी जा सकती है। डेफिनेटली जे गल लगूगी तो बिल्कुल हो जाएगा। इस तरह की गल अज तक तो कोई ध्यान च नहीं आएगी। बाकी थोड़ा पता ही है कि जो कोई इस तरह की गल होंगी है तो कानूनी कार्रवाई बन जाती है। हम तक कोई गल करने वास्ते आया नहीं मेरे नाल, इन्होंने उस दिन जिस दिन आए थे अज तो हफ्ता क पहला मेरे नाल आए थे गल करने वास्ते। मैं इन्होंने यही गल कही कि तुम जो थोड़ा लगता है कि मैंने एप्लीकेशन भी दे सकते हो, मैं प्रूफ भी दे सकते हो, कोई ना नहीं। तो उस दिन मैं बाद फोन आया कि असं मंग पत्र देना आए हैं। मैं उस दिन साइट पर ड्यूटी पर, तो मैंने पक्का पता लग गया कि शायद इन्होंने मंग पत्र DSP साहब जी को दिता है। मेरे को उस मुकदमा दर्ज होने बारे में एप्लीकेशन मैंने हूँ तक कोई रिसीव नहीं हुई। सत श्रीकाल, प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब ते।